बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद एहान है और अभी आप मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद एहान राजा देख रहे हैं। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक। आज है गाइस पहला रोज़ा और अभी हम सब सहरी के लिए उठ चुके हैं, तो अभी अजान तो नहीं हो रही, अजान से थोड़ा पहले का टाइम है। हमने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली है। गाइस तहज्जुद की नमाज में बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकते हैं और कम से कम 2 रकते होती हैं। ये नमाज हम फजर से पहले अदा करते हैं और इस नमाज के बाद जो भी हम दुआ करेंगे वो कबूल होगी, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों की फरियाद सुनने के लिए 7वें आसमान से पहले आसमान पे उतर आते हैं। गाइस अभी टाइम हो रहा है 4:15, तो अभी हम सहरी करेंगे, दिखाते हैं फिर आपको कि हम सहरी में आज क्या खाएंगे क्या पिएंगे। गाइस ये अब हम लोग की सादा सहरी है, ये देखिए गाइस, ये देखिए ये हमारी सादा सहरी है। यहाँ पे हमारे पास अभी क्रीम है और उसके साथ हमने शक्कर डाली हुई है, वो देखिए वहाँ पे हमारे पास चीनी वाला दही पड़ा हुआ है। ये देखिए ये गोश्त का सालन मम्मा ने रात को बनाया था, ये हमारे पास पड़ा हुआ है जमशीरी वाला मिल्क जो ज़्यादातर लोग शहरी में पीते हैं, और ये हमारे पास लास्ट में और मेन आइटम हमारे पराठे वड़े हैं जिनके साथ अभी हमने सहरी करनी है। सादा सहरी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वैसे अभी टाइम थोड़ा है, जल्दी से सहरी करते हैं और फिर चलेंगे फजर की नमाज अदा करने। बिस्मिल्लाह गाइस, तो अभी सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका है और अभी हम करेंगे रोज़े की नियत, तो आप भी हमारे साथ मिलके रोज़े की नियत कर लें। वाबी सौमी वदिन नवैतु मिन शहरि रमज़ान। गाइस ये होती है रोज़े की नियत। अभी आप सुन सकते हैं कि हर जगह से अभी सहरन की आवाज़ आ रही है, वो यही बता रहे हैं कि अभी सहरी का वक्त मुकम्मल हो चुका है, तो अभी आप सब अजान के बाद बाजमात नमाज अदा करें गाइस। और ये देखिए एंड पे हरीम भी उठेगी है अभी काफ़ी देर बाद। क्या हुआ वो कह रही है कि मुझे क्यों नहीं उठाया था, चले इसको अगले रोज़े में उठाएंगे गाइस। तो अभी मैंने कुरान जो है वो शुरू कर दी है और इस बार मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरा कुरान मुकम्मल कर लूँ, लेकिन मुश्किल होगा पर इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं मुकम्मल करूँ। तो गाइस आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग रमज़ान में कुरान मुकम्मल करते हैं या नहीं, और आप लोग कितने रोज़े रखते हैं। वाबिसाओं में गदिन नवई तो मिन शहरे रमादान। बस आपका रोज़ा हो गया। चलो बच्चे बच्चे लाइक कमेंट एक्शन गाइस। तो अभी हम सब ने सहरी कर ली है, सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका है और अब हम इफ्तार तक बगैर खाए पिए रहेंगे, क्योंकि अगर खाएंगे भूल के खाएंगे तो रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर जानबूझकर खाएंगे तो हमारा रोज़ा मकरूह हो जाएगा। आपने भी गैस कभी नहीं खाना, क्योंकि अल्लाह ताला देख रहे होते हैं, बेशक हमारे वालदैन ना देखें। गैस अभी सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, हर तरफ फजर की अजानें हो रही हैं, आप सुन सकते हैं बड़े मज़े का मौसम है, ठंडी हवा के साथ छोटे छोटे बारिश के कतरे गिर रहे हैं इधर। मैं तो छत पे आ गई, नीचे भी गिर रहे हैं, ये देखिए गाइस लगने में ठंड नहीं है पर यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है।
अभी हम चलते हैं फजर की नमाज पढ़ने, तो आप भी मर सकते हैं। हाँ जी, हरीम जो है वो रोज़ा सहरी करके रोज़ा बंद करके तो अभी फजर की नमाज के लिए जी हो गई है रेडी। तो चलें जी, हम भी जा रहे हैं मस्जिद और आप घर में फजर की नमाज अदा करें। ठीक है, अल्लाह गाइस। तो अभी हम जा रहे हैं मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए। ठंड लग रही है गाइस और बारिश भी हल्की हल्की लग रही है, लेकिन ठंड गाइस। तो ये मस्जिद है जो हमारे स्ट्रीट में, इसका भी काम हो रहा है अभी, इसका गेट वगैरह लग चुका है। दुआएं कबूल होती हैं, बख्शत के दरवाजे तकसीम होते हैं। रोजाना सहर अफ्तार में लाखों की बख्शिश कर दी जाती है, यानी ऐसा खुशियों वाला नहीं। अभी बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है जी, और मैं और अयान अभी फजर की नमाज पढ़ के हम वापस जा रहे हैं वापस घर की तरफ। चलें जी, बड़ा मज़े का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट है। तो पहले रमज़ान में ही अल्लाह पाक की रहमत अल्हम्दुलिल्लाह, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया दोबारा अपनी बख्शिश करवाने का, अपनी गुनाहों की, गलतियों की, कोताहियों की माफ़ी मांगने का। अल्लाह पाक हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए।